दोस्तों ये जो आपके सामने स्कूटर दिख रहा है ये है TVS का TVS एंटॉर्क रेस एडिशन मरीन ब्लू कलर में, और स्कूटर आपको काफ़ी नए और आकर्षक कलर के सामने आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपको पहले भी कलर मिलते थे, लेकिन आपको जो कलर मिलता था कुछ आपको ऐसा मिलता था रेड कलर ऐसा आपको देखने को मिलता था, जैसे आपको देखने को मिल रहा है सामने। ये इसका जो बिल्कुल ही नया कलर आपको देखने को मिलेगा, ये कलर है मरीन ब्लू। तो इसके बारे में आज हम फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, जानेंगे फीचर प्राइस और क्या क्या इसमें नया मिल रहा है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका कलर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस स्कूटर के फ्रंट से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको यहाँ से आपको विंडशील्ड मिल जाती है ब्लैक कलर के साथ में, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का वाइजर देखने को मिल जा रहा है, और साथ में आपको इसमें हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, इंडियन फ्लैग मिल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। साथ में आप मिरर देखें, मिरर आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी स्पोर्ट लुक में देखने को मिलेंगे। हैंडल बार आपको इसमें बार एंड मिल जाएंगे, ग्रिप काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगे, ब्रेक्स मिल जाएंगे, और लीवर जो है काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं। साथ में आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं TVS की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी 3D में क्रोम के साथ में, और यहाँ से आप देखेंगे इसमें ग्लॉसी ब्लैक पियानो ब्लैक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो इसका कलर है ये आपको देखने को मिलेगा मैट ब्लैक कलर के साथ में, यहाँ पर आपको मरीन ब्लू और यहाँ पर आपको टेक्सचर कलर के साथ में इसमें ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं हम इसके फ्रंट के हेडलैम्प सेटअप की, तो यहाँ पर आपको टी शेप में इसका जो DRL है ये देखने को मिल जा रहा है। स्प्लिट इसमें आपको फुली LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एयरफिन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंटॉर्क की ब्रांडिंग और ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे साइड में आपको रेस एडिशन देखने को मिल जाएगा, रेस आपको रेड कलर में, एडिशन आपको सिल्वर कलर के साथ में देखने को मिलने वाला है। साथ में मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं RTFI रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन की जो है ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ से भी आपको 125 की काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग। साथ में नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिलने वाला है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको जो फ्रंट मडगार्ड है ये आपको ब्लैक कलर मैट ब्लैक में और मरीन ब्लू कलर के साथ में काफ़ी बहुत ही बेहतरीन इसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आपको जो टायर मिलते हैं ये टायर आपको TVS की तरफ से देखने को मिलेगी। इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन, और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से भी आप देख सकते हैं एंटॉर्क की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और जो ग्राफिक्स इसमें भी आपको दिए जा रहे हैं इसके अलॉय व्हील में। 240mm की रोटो पेटल डिस्क मिल जाती है, टायर इसमें आपको मिल जाएंगे 180/12 का, और यहाँ पर आपको सिंगल कैलिपर देखने को मिलेगा गोल्डन कलर के साथ में। तो फ्रंट लुक इस स्कूटर का आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, और इस तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम बात करने लेते हैं इसके यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो सीट कंफर्ट है काफ़ी बेहतरीन मिलेगी, और काफ़ी कुशनिंग इस सीट में मिलने वाली है, यहाँ से काफ़ी कुशनिंग इसमें मिलेगी। स्टिचिंग आप देख सकते हैं रेड कलर के साथ में, और सीट जो है आपको डुअल पार्ट में मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपको कार्बन टेक्सचर है, यहाँ पर आपको सीट का जो नॉर्मल टेक्सचर है मतलब आपको सीट काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। फाइबर पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लू कलर का पार्ट, यहाँ पर आपको ग्रे और यहाँ पर ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलने वाला। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया मिलते हैं, यहाँ पर एंटॉर्क 125 की ब्रांडिंग 3D के साथ में मिल जाते हैं, यहाँ पर 125 में रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। नीचे आप देखेंगे रेस एडिशन देखने को मिलेगा, रेस और एडिशन ये आपको रेड और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में देखने को मिलेगा। साथ में आप इसका जो स्पेस है आप देख सकते हैं इसमें स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको फुटरेस्ट काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। यहाँ पर आप देखें TVS रेसिंग की ब्रांडिंग नीचे मिलेगी, कार्बन टेक्सचर के साथ में आपको मिलने वाली है। जो इसका रियर फुटरेस्ट है आपको एल्युमिनियम में मिलेंगे, मतलब मेटल में मिलेंगे, और ये आपको जो मिलने वाले हैं ये एडजस्टेबल आपको देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर इसका जो फैन है ये आपको रेड कलर के साथ में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हम इसके इंजन की, तो इसमें आपको जो इंजन मिलने वाला है 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन BS6 इंजन मिलेगा। इसमें आपको जो मैक्स पावर मिलने वाला है 6.9 kW का 7000 RPM पर, और इसका जो मैक्स टॉर्क मिलने वाला है ये आपको 10.5 Nm का 5500 RPM पर मिलेगा। एडजस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एडजस्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर का एडजस्ट देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको जो मफलर है ये आपको सिल्वर कलर के साथ में देखने को मिलेगी, मेटल की है, और
इसका एग्जॉस्ट भी आपको फुल मेटल में देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टायर है, ये टायर आपको 110/80/12 का मिलेगा, मतलब आपको जो टायर का साइज है यहाँ पर आपको 110/80/12 का मिल जाएगा और 12 इंच के इसके अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर भी देख सकते हैं। और इसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो इसके ग्रैब रेल हैं ये आपको बिल्कुल ही स्प्लिट मिलेंगे और एक्सटर्नल फ्यूल फिलअप कैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ब्लैक और ब्लू कलर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बैक लाइट है ये आपको फुली LED देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टी शेप में इसके बैक लाइट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको फिन्स भी देखने को मिल जाएंगे जैसे एयर इवेंट्स होते हैं और TVS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मोटरसाइकिल से इंस्पायर इसके 10 इंडिकेटर मिल जाएंगे हाइलोजन बल्ब के साथ में। नीचे रिफ्लेक्टर और यहाँ पर आपको साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ से इसका जो बैक फेंडर है आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा फेंडर आपको देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं हम इसके रियर सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डंपर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी। और इंजन में आप देख सकते हैं TVS की वाइट कलर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और किक भी आपको इस स्कूटर में देखने को मिलेगी। फीमेल फुटरेस्ट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, शायद आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्यूल ओपन कर सकते हैं, फ्यूल कैप, और यहाँ से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। साइड स्टैंड कटऑफ की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड मिल जाता है और इसमें आपको साइड स्टैंड कटऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। इस तरफ से देख सकते हैं इस स्कूटर में, यहाँ पर आपको 125 ब्रांडिंग और एंटार्क की ब्रांडिंग के साथ में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TVS रेसिंग की ब्रांडिंग इसमें देखने को मिलेगी। साथ में हम बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है ये आपको 5.8 लीटर का देखने को मिलेगा और इसकी माइलेज है, ये माइलेज आपको लगभग 40 से 45 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ से मैं आपको इसका जो फ्रंट है ये आपको दिखा देता हूँ, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इसके बात करते हैं हम इसके प्राइस की, तो प्राइस इसका जो होने वाला है ये आपको आकांक्षा TVS निकट शनिदेव मंदिर GT रोड नवाबाग फतेहपुर उत्तर प्रदेश में इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है अप्रोक्स आपको मिलेगा ये 1,11,980 रुपये में। और इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है, इसमें आपको 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 118 किलोग्राम का कर्व वेट इसमें देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इस स्कूटर के मीटर कंट्रोल की, तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ से इसके बार एंड मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर और हॉर्न की स्विच मिल जाएगी, यहाँ पर आपको किल स्विच और हजार्ड की स्विच, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट की स्विच देखने को मिलेगी। इसमें आपको कोई भी वॉइस असिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं हम इसके मीटर कंट्रोल की, तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको TVS का लोगो मिल जाएगा, नीचे आप देखेंगे एंटॉर्क की रेड कलर में ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आपको दो स्विचेस देखने को मिल जाएंगे और 125 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी रेस एडिशन के साथ में। तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें आपको पासिंग लाइट, इको और पावर का मोड मिल जाएगा, वार्निंग लाइट मिल जाएगी, यहाँ से आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन चेक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर फ्यूल इम्पटिक भी आपको देखने को मिल जाएगा, फ्यूल इंडिकेटर 0 से 60 मिल जाएगा, स्पीडोमीटर टैप, यहाँ पर आपको लैप टाइमर और साइड स्टैंड मिल जाएगी यहाँ पर, और आपको इंजन टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज स्पीड भी आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर स्टार्ट मोड भी आपको देखने को मिलेगा, फ्यूल एम्प्टी, स्पोर्ट मोड, एवरेज स्पीड, ऑडोमीटर, मतलब इसमें आपको बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं एक बार ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लूटूथ, बैटरी सर्विस रिमाइंडर, हेलमेट रिमाइंडर और बहुत सारे इसमें आपको फ़ीचर मिलने वाले हैं। और यहाँ से मैं इसको मिरर, इसके मिरर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मिरर इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ से इसमें आपको स्मार्ट एक्स की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। तो ये स्कूटर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।